हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं टेस्टी, हेल्दी और यूनिक रेसिपी। आप इसे एज अ स्टार्टर सर्व कर सकते हैं, बच्चों के टिफिन में रख सकते हैं। झट से बनने वाली रेसिपी है और खाने में इतनी लाजवाब कि आप इसे कभी भी बना सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें मैं ये एक कप पानी डाल दूँगी। पानी में हम बॉईल आने देंगे। आप देख सकते हैं जो पानी है उसमें अच्छे से बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसमें एक कप सूजी डालेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और सूजी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सूजी आप बारीक या मोटी कोई भी ले सकते हैं। सूजी को हमें इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे जो सारा पानी है सूजी एब्जॉर्ब कर लेगी। अभी ये आपको काफ़ी चिपका हुआ लग रहा है, लेकिन आप घबराइए नहीं, वीडियो को पूरा ज़रूर से देखें। काफ़ी टेस्टी और हेल्दी हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। अब हम इसमें आधा कप दही डाल देंगे और एक चम्मच मैं इसमें घी डाल दूँगी। मेज़रमेंट का ध्यान रखें आप। मैंने इसमें एक कप पानी, एक कप सूजी, आधा कप दही का यूज़ किया है। हमने इसमें घी डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से लो फ्लेम पर मिक्स करते हुए पकाएंगे जब तक इसका एक डो नहीं बन जाता है, या आप कह सकते हैं जब तक यह पैन ना छोड़ने लगे तब तक हमें इसे अच्छे से पका लेना है। कुछ प्रिपरेशन अगर पहले से हो तो ये नाश्ता झट से बन जाता है। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं। कुछ सुबह की भाग दौड़ में हेल्दी खाने का मन हो तो आप इस नाश्ते को, या शाम की छोटी छोटी भूख में भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसका डो बनकर तैयार हो गया है, ये पैन छोड़ने लगा है। अब मैं इसे ठंडा करने के लिए एक बड़ी सी परात या बड़े से बर्तन में निकाल लूँगी जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और देखिए, मैंने इसे बड़ी सी परात में निकाल लिया है। हम इसे हाथ से टच कर सकते हैं, इतना इसे ठंडा होना ज़रूरी है। बस ये थोड़ा सा गुनगुना है। अब मैं इसे हाथ से मसलते हुए इसको चिकना कर लूँगी। जैसे हम रोटी या पराठे का आटा गूंथते हैं ना बिल्कुल चिकना, इसी तरीके से हमें इसे कर लेना है। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से ये मसल जाता है। थोड़ा सा ये गुनगुना है। सॉरी गाइज, मैं इसमें नमक डालना भूल गई थी, तो मैं इसमें ये आधा चम्मच नमक डाल दूंगी। इसके बाद हम इसे अच्छे से मसल लेंगे। आप इसमें जब नमक डाल सकते हैं जब हम इसमें दही और घी डाला था, कोई नहीं, हम इस तरीके से नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मसल लिया है। काफ़ी चिकना डो हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी डिज़ाइन बनाते हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा पोर्शन लिया है और मैं इसको आज लीफ की शेप में बना रही हूँ। थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, जैसे हम कटलेट बनाते हैं उसी तरीके की शेप में हमें इसे बनाकर अंगूठे से प्रेस कर देना है। देखिए कितनी बढ़िया हमारी इसकी शेप आई है। मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। पहले थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, इस तरीके से दोनों हथेलियों के बीच में रखते हुए हम इसकी सिलेंड्रिकल शेप देंगे। उसके बाद हम इसे अंगूठे से प्रेस कर देंगे। आज मैं इस पर ये लीफ की शेप बना रही हूँ। आप अपनी चॉइस से कोई भी शेप या डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरीके से सारे नाश्ते को हमें तैयार कर लेना है। जो देखने में नाश्ता सुंदर लगता है बच्चे उसे आसानी से खा लेते हैं। तो आप कोई भी शेप या डिज़ाइन इसकी बना सकते हैं। तो देखिए सारा नाश्ता हमें इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर एक छन्नी ली है, इसके ऊपर हम ये थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे जिससे जो हमारा नाश्ता है वह चिपकेगा नहीं। और हम इस पर ये इसको अरेंज कर देंगे। देखिए इस तरीके से अरेंज कर देना है हमें। थोड़ा सा हम गैप इसमें मेंटेन रखेंगे जिससे जब यह स्टीम होगा तो यह अच्छे से स्टीम हो जाए। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको अरेंज कर दिया है। अब मैं इसको स्टीम करूँगी, जिसके लिए मैंने स्टीमर को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी में अच्छे से बॉयल आ गया है। अब मैं इसकी छलनी इसके ऊपर अरेंज कर दूंगी। तो मेरी एक प्लेट में ये नाश्ता नहीं आया था, वो मैंने दो प्लेटों में इस तरीके से इसको अरेंज किया है। ढक देंगे, लगभग 10 मिनट से 12 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। जब तक ये नाश्ता हमारा स्टीम होता है तब तक हम इसके लिए तड़का बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं ये एक चम्मच तेल डाल दूँगी और इसमें अब हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा।
आधा चम्मच मैं इसमें राई डाल दूंगी, जिसे हम मस्टर्ड सीड्स कहते हैं। 2 चम्मच मैं इसमें ये हींग डालूंगी। हींग आप ज़रूर से डालें, इसका जो इस नाश्ते में फ्लेवर है वह मुझे काफ़ी पसंद आता है। इसे हम 10 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी 8 से 10 करी पत्ता डाल दूंगी मैं इसमें, और मैं इसमें डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च, जिसमें 1 हरी मिर्च को मैंने स्लिट कर लिया है और 1 हरी मिर्च को मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने यहाँ पर 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, इसको हमने बारीक कट कर लिया है। प्याज को हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट या हमें इसे ब्राउन नहीं करना है। जो प्याज है उसमें जो क्रंच है वह बरकरार रहना चाहिए। आप चाहें तो अपनी पसंद से कोई भी वेजिटेबल्स इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इंस्टेंट बना रही हूँ और कम इंग्रेडिएंट्स में ये रेसिपी मैं बनाऊंगी। तो मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है। नमक आप अपनी टेस्ट के अनुसार डालें। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, और मैं इसमें 1/2 चम्मच कलर के लिए 1 कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। प्याज और मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। काफ़ी बढ़िया इसका कलर आया है। तड़का बनकर तैयार है। और एक बार मैं इस नाश्ते को भी चेक कर लेती हूँ, तो देखिए जो नाश्ता है अच्छे से स्टीम हो गया है, जो नाश्ता है अच्छे से फूल गया है, और जो नाइफ है वह अभी बिल्कुल क्लीन है। अब मैं इसे ठंडा कर लूँगी, उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। जो तड़का है उसमें मैं ये ठंडा किया हुआ नाश्ता डाल दूँगी, और काफ़ी सारा हम इसमें ये धनिया पत्ती डालेंगे। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल जेंटली हाथों से हमें इसे मिक्स करना है, क्योंकि ये सूजी का बना हुआ है, जल्दी से ब्रेक हो जाता है। तो देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। लुकिंग आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया है, और बनाने में कितनी आसान है। काफ़ी हेल्दी नाश्ता है, आप इसे झट से बना सकते हैं। इसे हमने अच्छे से मिक्स किया है। अब मैं इसे गर्मा गर्म सर्व करूँगी। आप इसे शाम की चाय के साथ ले सकते हैं, या आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में भी शामिल कर सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया खिला खिला हमारा ये नाश्ता बना है। बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है, एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। और मैं इस पर ये थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दूँगी, और मैं आपको इसे दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया और डिफरेंट हमारा नाश्ता बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए, बनाइए, इंजॉय कीजिए, और बनाने के बाद कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए, जिससे मेरी रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।